दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी दिखाई दे रही है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि दिल्ली में संक्रमण की चेन टूट रही। तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था। किश्तों में हो रही लॉकडाउन की मुरादी ये बता रही है कि दिल्ली ने कोरोना से लड़ाई में कितनी ढीली तैयारी की थी। दिल्ली सरकार न हालात की भयावहता का अंदाजा लगा पाई, न इंतजामों का अनुमान। जब संकट सिर पर आ पड़ा, रास्ते बंद दिखने लगे तो लॉकडाउन लगा दिया। असर भी हो रहा है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें, अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये दो सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं। अगर हम सोचें कि ये कम क्यों हुए तो उसका मेजर रीजन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन ने क्या किया कि हम लोग अपने घर में रहे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने घोंसले में रहें। दिल्ली में कोरोना से जंग का पूरा प्लान जैसे औंधे मुंह गिर गया हो। दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है, केंद्र सरकार लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताती रही है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कितना असर रहा, क्या इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में वाकई मदद मिली। दिल्ली में 5 दिनों के आंकड़े पर गौर कीजिए। 29 अप्रैल नए केस 24,235, मौत 395। 30 अप्रैल नए केस 27,047, मौत 375। 1 मई नए केस 25,219, मौत 412। 2 मई नए केस 20,394, मौत 407। 3 मई नए केस 18,043, मौत 448। कह सकते हैं कि आंकड़ों में मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं कि कह सकें कि संक्रमण की चेन टूट गई। हालांकि केंद्र इसे अच्छा संकेत मान रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। दिल्ली आज भी बुरी तरह कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की, बिस्तरों की मारामारी है। खुद दिल्ली सरकार सेना से मदद की गुहार लगा रही है। लॉकडाउन तो एक आड़ है, सवाल है कि केजरीवाल सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी जो अब इतनी लाचार है। आज तक ब्यूरो।